हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिव्य प्रकाश में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं खुद के घर का सपना कैसे पूरा हो। हर व्यक्ति चाहता है खुद के मकान में, खुद के घर में रहना। कौन चाहता है भाड़े के मकान में रहना, लेकिन लोगों की मजबूरी होती है कि रहना पड़ता है। तो इसीलिए मैं आज का ये उपाय आपके सामने लेकर के आया हूँ कि आपका जो खुद के घर का सपना है वो जल्द से जल्द पूरा हो। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो जिस किसी व्यक्ति का खुद का घर नहीं होता या जिसकी ज़मीन नहीं होती, उसकी कुंडली में जो मंगल ग्रह हैं वो उस पर प्रसन्न नहीं होते, नीच के होते हैं या ऐसे ग्रह के साथ में विराजमान होते हैं कि उनको किराए के मकान में रहना पड़ता है। तो हम क्या उपाय करें, क्या ऐसा करें कि जिससे जो पृथ्वी के पुत्र हैं मंगल, वो हम पर प्रसन्न हो और हमारा खुद का घर का जो सपना है वो तीव्र गति से पूरा हो। जो हमारी डील चल रही है या जो कुछ पैसे में रुकावट आ रही है, ये सारी विघ्न बाधाएं दूर हो और हमारे खुद के घर का सपना जल्द से जल्द पूरा हो। इसके लिए मैं उपाय लेकर के आया हूँ। मंगलवार के दिन आपको 21 मंगलवारों का व्रत करना है और मंगलवार के दिन आपको एक मंगल का यंत्र लेकर के आना है, विधिवत अपने घर में स्थापित करना है और सूर्योदय से पूर्व जो मैं विधि बता रहा हूँ वो विधि आपको कर देनी है। तिल के तेल का एक दिया लगाना है, मंगल के जो यंत्र है उसके सामने आपको एक तिल के तेल का दिया लगाना है। 24 घंटे ये दिया जलता रहना चाहिए और इसके सामने आपको लाल वस्त्र में बैठ करके लाल चंदन की माला से आपको जो मैंने मंत्र एंड स्क्रीन में दे दिया है, उस मंत्र की एक माला प्रति मंगलवार, हर मंगलवार को एक माला आपको करनी है। और उपवास किस तरह से करना है ये मैं बता देता हूँ। 21 मंगलवार आपको व्रत भी करना है। व्रत ऐसे करना है, आपको नमक बिल्कुल भी नहीं लेना है, अनाज नहीं लेना है। अनाज सिर्फ एक समय, सूर्यास्त के पूर्व आपको अनाज लेना है। अनाज में आपको पराठे लेने हैं, गुड़ लेना है और दूध लेना है। ध्यान रखिए, गेहूं के आटे का पराठा, गुड़ और दूध, ये चीज़ आपको लेनी है सूर्यास्त के पूर्व। सूर्यास्त होने के बाद आपको जल ग्रहण नहीं करना है, मतलब कोई भी चीज़ आपको ग्रहण नहीं करनी है। कब तक? बुधवार के सूर्योदय तक। बुधवार के सूर्योदय तक ही आपका जो दिया है वो भी जलते रहना चाहिए। अब आप जब बुधवार को सूर्योदय के समय आप जब नहा धोकर के मंदिर में बैठेंगे, तब फिर आप फिर से उनसे प्रार्थना करेंगे। आपके जो घर है, आपका जो खुद का घर है, उसके लेने के लिए आप उनसे प्रार्थना करेंगे कि ये जो उपवास था वो संपन्न हुआ आज के दिन। इसके बाद यदि वो दीपक बुझ जाता है तो उसका कोई वो नहीं है, इसके बाद आपको उसको प्रज्वलित रखने की आवश्यकता नहीं है। ये इतना सचोट उपाय है कि जिन जिन व्यक्तियों ने इस उपाय को किया है, हर उस व्यक्ति का खुद का घर का सपना सच हुआ है। तो यदि आपके जानने पहचानने वालों में भी कोई है जिसके खुद के घर का घर न हो, तो उन्हें भी आप ये उपाय बेझिझक बता सकते हैं। उनका भी सपना सच होगा और आपका भी सपना सच होगा। तो देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।